एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का डिलीजेंट एसेसिन यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की जो हमारी वीडियो है वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड है और इस वीडियो के अंदर स्पेसिफिकली हम बात करेंगे जो जीएस वाला सेक्शन है। मेरा 50 डेज का टारगेट प्लान हो, आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए 90 डेज प्लान हो, या फिर जो अभी रिसेंटली मैंने लॉन्च किया 25 डेज फ्री ऑफ कॉस्ट रिविजन प्लान टेलीग्राम के ऊपर, उनके ऊपर और यूट्यूब चैनल के ऊपर भी कॉन्स्टेंटली एक ही मैसेज आता है कि जीएस के अंदर स्कोर नहीं आ रहा है, जीएस के अंदर बहुत कम स्कोर आ रहा है, तो इसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं। वैसे ऑलरेडी मैंने 2-3 वीडियो पहले भी बनाई हुई है, जो पहले मतलब कभी 4 महीने बचे हुए थे उस टाइम के ऊपर आप कैसे टैकल कर सकते हो, कभी 2 महीने बचे हुए थे तो कैसे टैकल कर सकते हो, अभी जो लास्ट का टाइम है इसके अंदर आप कैसे टैकल कर सकते हो इन चीजों को और कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम आप अपना जो स्कोर है वो इम्प्रूव कर सकते हो, उससे रिलेटेड आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। उसके साथ साथ मैंने कंप्लीट आपकी एक स्ट्रेटेजी इसके ऊपर लिखी है, एक एक चीज मैंने आपको बताई है कि कहां से पेपर में क्वेश्चंस पुट होते हैं और कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कहां से पढ़ने हैं, वो सारी चीजें मैं डिटेल में आपको समझाऊंगी। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूं कि अगर कोई भी एस्पिरेंट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहा है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली आप तैयारी कर ही रहे होंगे। अगर आपको रिविजन करनी है पूरा सिलेबस की फ्री ऑफ कॉस्ट, एक मैंने स्टडी प्लान आप लोगों के लिए लॉन्च किया है, टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है डिलीजेंट एसेसिन या फिर मोनिका पुनिया, कुछ भी आप सर्च करोगे आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। अदरवाइज मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में, आप वहां से जाके भी उसको ज्वाइन कर सकते हो। एक चीज तो होगी रिवीजन के लिए, मैंने वो प्लान लॉन्च कर रखा है, आप उसके साथ रिवीजन कर सकते हो। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपकी अभी के टाइम में, वो होगी आपकी जो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को इस टाइम के अंदर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करनी है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल पाए कि हाँ इस टाइप का अगर मॉक टेस्ट आ गया तो मुझे कैसे टैकल करना है, इस टाइप का मॉक टेस्ट आ गया तो मुझे कैसे टैकल करना है। अभी मैं आप लोगों को एक फ्री मॉक टेस्ट का लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्रैक्टिस मॉक्स की तरफ से आपके लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल है ये। आप सभी को पिन कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों जगह मैं आप लोगों को लिंक दे रही हूँ प्रैक्टिस मॉक्स का, उस लिंक के ऊपर जाना है आपको और आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए एक जो पहला मॉक होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। सारे लोगों को वो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है और जो भी आपका स्कोर होगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिखना, सेक्शनल स्कोर लिखना, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, जिससे मुझे भी थोड़ा सा आइडिया हो पाए कि आप लोगों का कौन सा सेक्शन वीक जा रहा है और मुझे किस अकॉर्डिंगली आप लोगों को तैयारी आगे करवानी है। तो अभी ज्यादा बातें ना करते हुए सीधा हम इस सीट के ऊपर आ जाते हैं और एक एक चीज डिस्कस करते हैं कि कैसे आप लोगों को अपनी तैयारी करनी है। तो ये देख सकते हो आपका कंप्लीट एक प्लान रेडी है। सबसे पहले जो हमारा टारगेट है वो लगभग 35 प्लस मार्क्स का हमें टारगेट करके चल रहे हैं। उसके अंदर प्रीवियस ईयर का जो ट्रेंड है वो मैं आपको समझाती हूँ पहले, कि आपसे किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस टाइप के टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री के अंदर 8 से 10 क्वेश्चन सिर्फ आपके हिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं। इसीलिए मैं आपको फोकस करके बोलती हूँ हमेशा कि हिस्ट्री को ज्यादा टाइम दो, और मैं भी अपने जो डेली प्लान्स होते हैं उसके हिस्ट्री को ज्यादा टाइम देती हूँ। पॉलिटी के अंदर लगभग आपके 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी 6 भी पूछ लिए जाते हैं, कभी 8 भी पूछ लिए जाते हैं। हिस्ट्री के मैक्सिमम किसी शिफ्ट के अंदर 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं और मिनिमम किसी शिफ्ट के अंदर 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पॉलिटी के मिनिमम 3 पूछे गए हैं किसी शिफ्ट के अंदर, जैसे अलग अलग। ये सारी चीजें जो है वो 2020 वाला जो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसके बेसिस के ऊपर मैं आपको बता रही हूँ कि लगभग इस टाइप का पेपर आपसे पूछा जाता है। ज्योग्राफी के 6 से 8 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक्स के 4 से 5 या 5 से 6 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, और जो साइंस वाला पोर्शन है उसके अंदर 5 से 6 क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं, ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। उसके अंदर भी सबसे ज्यादा बायोलॉजी पूछा जाता है, फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री में सबसे कम पूछा जाता है। तो अगर आपको साइंस पे ज्यादा फोकस करना भी है तो आप बायोलॉजी के ऊपर ज्यादा फोकस कीजिएगा। और जो ये सारे सब्जेक्ट हो गए जो आपकी एक टाइप से स्टैटिक जीके या अब हम जिसको जर्नल अवेयर वो बोलते हैं, जीके बोलते हैं, जर्नल नॉलेज बोलते हैं, उसके अंदर लगभग आपके 25 से 30 नंबर आपसे उसके अंदर से कवर होते हैं। बाकी जो आपके नंबर कवर होते हैं वो कहाँ से होते हैं, वो आपके होते हैं स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स से। स्टैटिक जीके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर होता है ना, उसके अंदर एक
ऐसा होता है कि एग्जामिनर जो होता है वो एक माइंडसेट के साथ में बैठता है, वो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पकड़ लेता है जिसके अंदर से ज्यादा क्वेश्चन वो आपसे पूछता है। तो जब 2020 वाला पेपर था उसके टाइम पे ये चीज हुई थी स्टैटिक जीके के साथ में, कि स्टैटिक जीके को उसने इतना पकड़ लिया था कि किसी किसी शिफ्ट के अंदर तो 21 क्वेश्चन तक सिर्फ स्टैटिक जीके से पूछे गए थे। वो ऐसा हो सकता है इस बार वो करंट अफेयर्स के ऊपर भी फोकस कर ले, या फिर स्टैटिक जीके के ऊपर ही रखे, या हिस्ट्री के ऊपर रखे, लेकिन यूजुअली जो चांसेस हैं वो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाने के हैं, वो लगभग दोनों को मिला के 20 क्वेश्चन के अराउंड आपसे पूछे जाएंगे। स्टैटिक जीके के 12 से 14 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, हाईएस्ट आपसे मैंने 20-21 बताए हैं आपसे पूछे जाते हैं। इसमें भी आर्ट एंड कल्चर के सिर्फ जो क्वेश्चन है, आर्ट एंड कल्चर से ही आपसे 5 से 7 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से पूछ लिए जाते हैं, और उसके बाद बाकी जो सारी चीजें बचेगी उससे आपके फिर ये 5 से 7 क्वेश्चन ही आपके बाकी सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर के अंदर कौन से टॉपिक्स आपके आते हैं? डांस आता है आपका, आपके म्यूजिशियन आते हैं, पेंटिंग्स आती हैं, फोक आर्ट्स आती हैं, जो भी आपके आर्ट एंड कल्चर की एक पूरी प्लेलिस्ट भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की थी जब अपना स्टडी प्लान चल रहा था, और अभी भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी। तो आर्ट एंड कल्चर को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। ये चीजें याद करने में थोड़ी मुश्किल होती हैं, लेकिन हाँ पेपर में पूछी जाती हैं तो हमें पढ़नी पड़ेंगी। उसके बाद करंट अफेयर्स से आपके यही 8 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, कभी 6 भी हो जाता है, और मैक्सिमम आपसे 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यूजुअली आप मान के चलो कि 8 से 9 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये तो चीजें होंगी कि आपसे पूछा कितना जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं आपको करना कैसे है। सबसे पहले अगर हम बात करें स्टैटिक जीके की, क्योंकि एक ये ऐसा टॉपिक है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, तो इसकी एक जो टॉपिक वाइज पीडीएफ है कि कौन सा टॉपिक आपसे पूछा जाता है, वो पीडीएफ मैं ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल चुकी हूँ। जो सिलेबस वाली वीडियो है, एक पीडीएफ पड़ी होगी, जब भी आप टेलीग्राम के ऊपर जाओगे आपको पीडीएफ ढूंढनी है तो आप सीधा चैनल पे जाके फाइल्स वाले सेक्शन में जाया करो। फाइल्स वाले सेक्शन में जब भी आप जाओगे तो उसके अंदर आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाती हैं। फाइल्स वाले सेक्शन में आपको एक पीडीएफ दिखेगी जिसके ऊपर लिखा होगा सिलेबस हिंदी एंड इंग्लिश, वो वाली पीडीएफ अगर आप खोलोगे तो उसके अंदर आपको स्टैटिक जीके के सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनकी लिस्ट मिल जाएगी। तो उन टॉपिक वाइज जो आपको लिस्ट मिलेगी, उनकी जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वहां पे सिर्फ एक लिस्ट मिलेगी कि हाँ आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं। वो मिलेंगे कहाँ पे? एक मैंने जो आपकी पीडीएफ है गॉडफादर के नाम से नियॉन पब्लिकेशन की, वो वाली पीडीएफ मैंने डाली हुई है। अगर आपको उसकी हार्ड कॉपी लेनी है तो उसकी बुक ले सकते हैं आप, उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, या फिर आपके पास कोई और बुक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो RWA की बुक को फॉलो कर रहे हैं तो आप उसी बुक से पढ़ सकते हो। सिर्फ आपको मेन फोकस जो करना है वो ये है कि आप जितने भी टॉपिक वाइज मैंने उसमें से बोले हैं वो सारे आप किसी एक स्टैंडर्ड पीडीएफ से या बुक से आप उन टॉपिक्स को पढ़ लो, उसके बाद उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, अगर पॉसिबल है तो उनकी क्विजेस भी प्रैक्टिस कर लो। जो क्विजेस हैं ये सारी चीजें आपको जो अपना टेक्स्ट बुक का ऐप है उसके ऊपर सारी चीजें अवेलेबल हो जाती हैं। उसके बाद अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो जनवरी से अक्टूबर तक की आपको करंट अफेयर्स पढ़नी है, मंथली भी पढ़नी है आपको, और आपको टॉपिक वाइज भी करंट अफेयर्स पढ़नी है। मंथली और टॉपिक वाइज दोनों आपको करंट अफेयर्स पढ़नी है। टॉपिक इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं वो ऑलरेडी उसी पीडीएफ के अंदर, जो करंट अफेयर्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली पीडीएफ है उसके अंदर मैं अवेलेबल करवा चुकी हूँ, एक बार स्क्रीन के ऊपर भी ऐड कर दूंगी मैं। अपॉइंटमेंट्स आपसे बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स पूछी जाती हैं, लेटेस्ट बजट आपसे पूछा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपकी जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड इवेंट होते हैं वो पूछे जाते हैं, अवार्ड्स एंड ऑनर्स जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। तो बेसिकली आपको इन सारे टॉपिक्स को तो सबसे ज्यादा अच्छे से करना है। इनके जो लिंक वगैरह हैं या पीडीएफ जो है, इनको पीडीएफ आपको कौन सी यूज करनी है, सुपर करंट अफेयर्स आप यूज कर सकते हो। सुपर करंट अफेयर की जो पीडीएफ है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दी है, वो आप यूज कर लेना, उससे आपका मोर देन इनफ रहेगा, उतना कर लेना। उसके साथ में किसी एक या दो टीचर्स की वीडियोज देख लेना जब भी आपके पास में फ्री टाइम होता है, जैसे आप खाना खा रहे हो, कुछ भी ऐसा कर रहे हो जिस टाइम पे आपको ऐसे लगता है कि मैं बुक से नहीं पढ़ सकता लेकिन वीडियो सुन सकता हूं, उस टाइम के
के अंदर आप उन वीडियोस को सुन के जो अपनी करंट अफेयर्स है वो वीडियो से भी कवर कर लेना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि वीडियो का सुना हुआ आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रह गया, कहीं ना कहीं आपके जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको ध्यान आएगा कि हाँ वीडियो के अंदर मैंने उस दिन ये सुना था। तो इसलिए मल्टीपल कोशिश करनी है आपको कि ज्यादा से ज्यादा जगह से आप एक चीज को पढ़ लो, कर लो। करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के जो टॉपिक्स हैं इनके ऊपर सबसे ज्यादा ये अप्लाई होती है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे होते हैं कि बहुत वास्ट होते हैं और याद करने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए वीडियोस भी सुनो, पढ़ो भी, क्विजेस भी लगाओ, सेक्शनल मॉक टेस्ट भी लगाओ, ताकि सारी चीजें करते करते आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज छप जाए। उसके बाद में अगर हम बात करें जो आपकी जर्नल अवेयरनेस होती है, जीके वाला सेक्शन होता है, उसके अंदर लूसेंट, अरियंत, येलो बुक, कोई भी बुक आपके पास में है उससे आपको थ्योरी ऑलरेडी आपने पढ़ ली होगी या फिर अभी आप पढ़ रहे होगे, तो थ्योरी आपने पढ़ लेनी है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेने हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए हमेशा मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि किरण पब्लिकेशन की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक आती है आप वो ले सकते हो, या फिर कोई और भी जो मार्केट के अंदर पब्लिकेशंस अवेलेबल हैं उनकी बुक आपके पास में है तो आप वो भी कर सकते हो। सिर्फ आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो ये है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं आपके वो कवर होने चाहिए हर एक उस इंपॉर्टेंट टॉपिक के जो मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। इसके अंदर भी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनके सबके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिए हैं, सिर्फ वो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। उसके बाद में रिवीजन डेली करनी है और अपने सेक्शनल मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं। सेक्शनल मॉक टेस्ट के लिए आप टेस्ट बुक की हेल्प ले सकते हो। टेस्ट बुक का जो पास प्रो वाला वर्जन है उसके अंदर आपको एसएससी सीजीएल के सेक्शनल, जीएस के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, सीपीओ के, सीएचएसएल के, हर एक एग्जाम के मिल जाएंगे और आप आराम से जाके उनको अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके साथ में एक बोनस टिप है वो आपके लिए यूजफुल होगी कि एक मैंने पीडीएफ शेयर की थी, अभी मैं दोबारा शेयर कर दूंगी उसको। एसएससी सीपीओ 2023 का जब प्री एग्जाम था उस टाइम के ऊपर मैंने आपके साथ में एक पीडीएफ शेयर की थी, जिससे एक बच्चे ने मुझे बताया कि 15 क्वेश्चन डायरेक्टली उसी पीडीएफ से आए हुए थे। 10 दिन की वो पीडीएफ है, 10 दिन का एक स्केड्यूल है जिसके अंदर मैं आपको वो सारी करंट अफेयर्स और वो सारी चीजें आपको इंक्लूड करके दे रखी हैं। लेकिन उस टाइम पे कुछ एस्पिरेंट मुझे बोल रहे थे कि एक दो गलतियां हैं उसके अंदर, तो उस वजह से मैंने उसको हटा दिया था। तो एक दो गलतियों की वजह से अगर आपका ऐसे होता है कि आपके 15 से 20 क्वेश्चन आपके उससे ठीक हो रहे हैं, तो एक दो गलती भी हम अफोर्ड कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको वो दोबारा से पीडीएफ शेयर कर दूंगी, आप लोग उसको भी बहुत अच्छे से दोबारा से पढ़ना, ताकि आप लोगों का जो एटलीस्ट बहुत कम जो स्कोर कर पा रहे हैं वो थोड़ा सा एक अच्छा स्कोर कर ले और अपना जीएस के अंदर अच्छे मार्क्स लेके आप अपना जो सिलेक्शन है वो ले पाओ। बाकी होपफुली मेरे को ये लगता है कि आपको ये वीडियो काफी हेल्प करेगी अपने प्रिपरेशन के अंदर। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना, लाइक चाहे आप छोड़ भी देना, बाकी सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि सब लोग एक साथ वर्दी में आओ, एक ही प्लाटून के अंदर सारे लोग ट्रेनिंग करो और बड़ा मजा आएगा देखना। जब यहाँ पे आके आप ट्रेनिंग करोगे तो एक अलग ही माहौल होगा। आई विश यू वेरी वेरी गुड लक टू ऑल ऑफ यू, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।